तो मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि किस तरह हम जीमेल अकाउंट में फोल्डर बना सकते हैं, जिसे हम कभी देखते हैं कि ये जैसे मेरा जीमेल है, हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे फोल्डर हम एंड्रॉयड मोबाइल पे नहीं बना सकते हैं, कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है हमें, कुछ अलग से हमारे कुछ ईमेल्स वगैरह है जो हमें सेपरेट रखना है या स्टार्ट अलग करना है, तो हमें वो फोल्डर बनाने का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। गूगल क्रोम में हमें जाना है और यहाँ सबसे पहले हमें ये क्लिक करना है कि यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिए। डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं जीमेल अकाउंट साइन इन। जीमेल अकाउंट साइन इन का टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ईमेल। आप डायरेक्ट ईमेल पे जाएंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे ये मेरा पूरा खुल चुका है। और मैं इसे जूम नहीं करूँगा क्योंकि कुछ प्राइवेसी के तहत मैं इसे जूम नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो मोर लिखा है, मोर के नीचे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लेबल आपको दिखाई देगा। क्रिएट न्यू लेबल पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर पे आप नाम दीजिए और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, क्रिएट कीजिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू फोल्डर, जिससे आपको यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड न्यू फोल्डर दिखाई देगा। तो इस तरह आप बहुत ही इजी वे में जाके आप अपने जीमेल अकाउंट में न्यू फोल्डर बना सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में। आपको इसके लिए डेस्कटॉप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उस तरह आप यहाँ से साइन, यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट करते हैं तो ये आपका फोल्डर वापस उस तरफ चले आएगा मेन, और आप इसे मिनिमाइज करके यहाँ आपका जो जीमेल फोल्डर बना हुआ होता है वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका ये नया फोल्डर बना है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यू जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ एक्स वाई जेड करके आप न्यू फोल्डर बना हुआ है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।